नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। इटावा जनपद के थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा लूटपाट की घटना कारित करने वाले तीन अभियुक्तों को लूटपाट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए तीनों अभियुक्त कानपुर के निवासी हैं, जिनकी पहचान शशि कपूर, मंगल कंजड़ व सुनील कंजड़ के रूप में की गई है। वहीं पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर एसएसपी ने पकड़े गए अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश किया, साथ ही उनके द्वारा लूटपाट किए गए माल को भी बरामद किया। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ की गई कि उन्होंने जसवंत नगर थाना क्षेत्र में हुई दो घटनाओं की, लूट की दो घटनाओं को कबूला है। जो एक घटना दिसंबर 17 में हुई थी, दूसरी घटना मार्च 18 में हुई थी। दोनों के संबंधित जो भी माल थे वो सभी बरामद हो गए हैं। इन्होंने अन्य भी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। चंदौली में फर्जी विजिलेंस ऑफिसर बनकर ट्रेन में टिकट जांच रहे युवक को ट्रेन टीटी ने पकड़कर आरपीएफ के हवाले कर दिया। पूछताछ के बाद युवक के पास से विजिलेंस अधिकारी से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद आरपीएफ उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई। बताया जाता है कि गुवाहाटी से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस की एसी कोच में एक युवक ने खुद को विजिलेंस ऑफिसर बताकर यात्रियों का टिकट जांच करना शुरू कर दिया। ट्रेन के टीटी को जब युवक की हरकत पर संदेह हुआ, तब ट्रेन के मुगलसराय पहुंचने पर टीटी ने मामले की जानकारी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ को दी। आरपीएफ ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूरा खींचने हुई थी कि ड्यूटी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था, उसी समय ट्रेन नंबर 4055 पाई और A1 के कोच से टीटी साहब हमको बुलाए और बुला कर बताया कि एक व्यक्ति है ये जावेद अहमद, जिनका जिन्होंने अपना पर्ची अपना विजिलेंस इंस्पेक्टर का परिचय दिया है, लेकिन आई कार्ड वगैरह नहीं दिखा रहे। उनके कहने पर मैंने उनसे भी दस्तावेज मांगा जावेद से, परंतु उन्होंने कोई आईडी नहीं दिखाया। वो एक आईडी नहीं, मैं विजिलेंस इंस्पेक्टर हूँ, तो करना है कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने ले आया उसको। अभी अभी क्या कर रहे हैं? अभी उनके अजय कुमार टीटी के तहरीर पर जीआरपी को सपोर्ट किया गया। वाराणसी के भैलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 4 स्थित पंखे के कारखाने में अज्ञात कारणवश आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जहां जलकर राख हो गया, वहीं पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पानी बंद करा है। सूचना मिली थी कि कोई मकान है, उसमें गोडाउन है, गोडाउन में कुछ स्टोरेज है, स्टोरेज में आग लगी। सूचना मिलते ही हम अपने सहयोगी डॉक्टर बीएन पटेल जो बगल में खड़े हैं, इनको लेके घटनास्थल पर पहुँचे। मोटर फायर इंजन और JNU, 3 मोटर फायर इंजन, 2 JNU लेके हम लोग आए। आग देखे काफ़ी बड़ी थी, धुआं निकल रहा था। हमारे साथ जो फायरमैन आए थे वो अंदर घुसे। 5 गाड़ियों से एक एक लाइन बिछा के हम लोगों ने पंपिंग करना शुरू किया और मुझे लगता है कि 20 मिनट में सीन क्लियर हो गई। अंदर जाके देखा गया, कोई कैजुअलिटी नहीं थी, कोई फंसा नहीं था। जो लाग थी डंप थी, और ये भी संभव है कि वो नुकसान काफ़ी हुआ हो, उसका आकलन बाद में किया जा रहा है। इस समय आग पूरी तरह बुझा दी गई। किशन डबिला के पीछे एक मकान के गोडाउन में आग लगी, जिसमें कुछ लोग फंसे होने संभावना है। तत्काल हमारी रेस्क्यू यूनिट व फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल पर हम लोग पहुँच गए, जगह के हमारे चीफ फायर ऑफिसर भी मौके पर आ गए। हम लोग तुरंत ही आग यहाँ शुरू किया, धुआं देख करके देख रहा था आग बड़ी है, लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। हम लोग तुरंत 15 मिनट के अंदर आग पूरी तरह कंट्रोल कर लिए, लगभग आधे घंटे पूरे आग बुझा लिया गया।
वाराणसी में पुल गिरने की घटना के बाद मृतक व घायलों के इंसाफ की मांग को लेकर बीएचयू रैया हॉस्टल से संस्कृत ब्लॉक के छात्रों द्वारा हॉस्टल के गेट से लेकर विश्वविद्यालय के सिंह द्वार तक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर मृत लोगों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई एवं घायलों के स्वस्थ रहने की कामना भी की गई। सभा में छात्रों ने सरकार से मरने वालों के परिवार को नौकरी एवं ज्यादा आर्थिक मदद प्रदान करने की अपील की। वहीं सभा का नेतृत्व कर रहे सोनू कुमार पाठक ने कहा कि यदि ट्रैफिक पुलिस लापरवाही नहीं करती तो ये हृदय विदारक घटना नहीं घटित होती। हम सरकार से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के बैनर तले बीएचयू गेट पर पिछले 2 दिन पहले वाराणसी कैंट के पास गटर गिरने के कारण मृत 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ ही घायल परिवारों को उचित सहायता मिले, इसके साथ ही प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई कि सभा के माध्यम से संबंधित विभाग के मंत्री का तत्काल निलंबन करें। इन सभी मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आपने देखा है इतना बड़ा हादसा बनारस में हुआ है, लेकिन अभी किसी के ऊपर क्यों नहीं रहना है। पहले तो उसमें जिला अधिकारी महोदय निलंबित कर देना चाहिए। ऑलरेडी इतनी बड़ी घटने में जिला प्रशासन एकदम चुप बैठी है और इनके डिप्टी सीएम आते हैं और सिर्फ 2 मिनट के अपनी गाड़ियों के साथ आते हैं, काफिले के साथ आते हैं और खा के चले जाते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। और ऑलरेडी आज के पेपर में ये आया है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर ये बयान दिया गया है कि ये घड़ी अब इनके ऊपर भी ये जांच इनके ऊपर तक जाके समाप्त होगी, इनके ऊपर तक जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कि ये पुल आपके समय उन्होंने जरूर पैसा पास किया है, लेकिन जो डिवाइडर गिरा है वो आपके समय गिरा है और डिवाइडर की जिम्मेदारी आपकी बनती थी कि पहले दोनों तरफ रोड अब बंद करा के तब ये काम आप कराते तो माना जाता। काशिंद विश्वविद्यालय के गैस्ट्रो एंटरोलॉजी विभाग में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विश्व कोलाइटिस डे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आयोजित पत्रकार वार्ता में विशेषज्ञों ने बताया कि विश्व भर में विश्व कोलाइटिस दिवस IBD के नाम से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। भाग दौड़ भरी जिंदगी तथा जंक और फास्ट फूड की वजह से IBD के मामलों में तेजी से इजाफा होता जा रहा। उन्होंने बताया कि 1 लाख में लगभग 44 लोग IBD से पीड़ित हो सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज। नमस्कार।